या पास्ता। तो आज हम रजिया पास्ता के साथ तैयार करने जा रहे हैं पेरी पेरी पास्ता पास्ता, और इसको यहाँ रख देते हैं बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा इसको स्टर करते जाते हैं, जैसे ही बॉईल हो जाएगा हमने इसको निथाड़ लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ मिक्स, बोल चलें बड़ा सा ही ले लेते हैं। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च, इसमें जाएगा ब्लैक सॉल्ट, हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी का पाउडर है, हाफ टी स्पून, इसके साथ ही इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं जिंजर पाउडर, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कोई भी हर्ब, जिसमें रोजमेरी है, ओरिगानो है, थाइम ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट, और हमने पिसी हुई चीनी भी हाफ ही टीस्पून हमने ये ऐड कर देनी है। चलिए ये जो मसाला है ये हमारे पास तैयार हो गया, और हम क्या करते हैं वाइट सॉस सा तैयार कर लेते हैं। पास्ता बॉईल हो रहा है, वाइट सॉस बना लेते हैं। पेरी पेरी मसाला बन चुका है, उसके बाद हम इस वेजिटेबल्स की कटिंग करके और इसका टोमेटो केचप के साथ अच्छा सा स्पाइसी सा एक मिक्सचर सा बना लेंगे। तो सबसे पहले तो स्टोव कर लेते हैं ऑन, इसमें जाएगा जनाब बटर, और साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ मैदा, और हमने क्या करना है इसको थोड़ा सा सौते करना है कि मैदे की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब मैदा हमारा भुन जाएगा कैसे पता चलेगा, एक तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, इसके अलावा एक अच्छी सी बिस्किट्स की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर मैं इसमें ग्रेजुअली ऐड कर दूँगी मिल्क, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, ये हमारा तैयार हो जाएगा बेसिक सा वाइट सॉस। चलो मैदे को हम भून रहे हैं बटर के साथ, और फिर मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। वैसे इसमें आप यखनी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चीज़ भी शामिल की जाती है, और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जो चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं वो हम वाइट सॉस में ही ऐड कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है वाइट सॉस चीज़ी सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। आँच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, थोड़ी सी खुशबू और आनी शुरू होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे दूध, लेकिन ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पर जाते हैं। मैं सिर्फ इसमें दूध ऐड करूंगी और इसको विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर देंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पे हमने आपके सामने ही मैदे को भून लिया था बटर के साथ, उसके बाद आपने उसमें ग्रेजुअली मिल्क ऐड करना है। अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो लम्प्स बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और विस्क की मदद से उसको चलाते जाएं, और अगर फिर भी लम्प्स बन जाएं तो बहुत आसान सा तरीका है, आपने उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। तो चलें अब हम क्या करते हैं कि मैं इसकी आँच भी कर देती हूँ बंद, और वाइट सॉस जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वो और गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इसमें हम ये चीज़ ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, और ये अच्छी सी मेल्ट हो जाएगी क्योंकि सॉस हमारा गरम हो रहा है। और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर हसबे ज़रूरत, तो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा ही हम शामिल कर देते हैं इसमें सॉल्ट। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पास्ता को मैं चेक कर लेती हूँ, अगर ये अब बॉयल हो गया होगा तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। थोड़ा सा और इसको होने देते हैं। रजिया पास्ता हमने यहाँ पर ले लिया था और उसको हमने बॉयल कर लिया था। इस सॉस पैन को मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ यहाँ, और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक। अच्छा अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ऑयल में थोड़ा सा जो लहसुन है उसको हम सौते करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें जाएंगी तमाम वेजिटेबल्स। तो फिर क्यों ना हम पहले वेजिटेबल्स को यहाँ पर स्लाइस कर लें, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ यहाँ पर लहसुन,
हल्का सा सौते होने देते हैं और फिर वेजिटेबल्स को स्लाइस कर लेंगे। जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप ले लीजिए। इस सीज़न में तो बेतहाशा सब्ज़ियाँ आई हुई, और सर्दियों में सब्ज़ी लेने का खाने का मज़ा इसलिए भी आता है कि उसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाती है, वरना गर्मियों में एक से दो दिन इससे ज़्यादा हरी सब्ज़ी जो है वो फ्रिज में भी लास्ट नहीं करती। लेकिन सर्दियों में बड़े सारे टाइम तक सब्ज़ी फ्रेश रहती है, तो उसको लेने में भी मज़ा आता है, और फिर आप जब दिल चाहे उसको यूज़ करें। गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी सब्ज़ियाँ हैं बहुत सारी, कॉर्नस बड़े ज़बरदस्त से आए हुए हैं। मैंने इसमें ऐड किया गार्लिक, और अब इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। इनका ऑलिव पोमिस ऑयल तो है ही रेगुलर कुकिंग के लिए, इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब, कोल्ड खानों के लिए, आपके सैंडविचेस हो गए, चटनियां हैं, सैलड्स हैं, ड्रेसिंग है, जिसमें आपने रॉ ऑयल को कंज्यूम करना है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ऑलिव ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन फ्रेश ऑलिव्स के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। एक टाइम हो गया है इसको यूज़ करते हुए, तमाम इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही वास्ट इनकी रेंज है। चॉकलेट्स हैं, इसके अलावा जनाब वेजिटेबल्स हैं और मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, डिफरेंट टाइप के इनके पिकल्स हैं, और पॉपकॉर्न्स भी हैं, और रेजिया पास्ता है जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है, ज़रूर ट्राई करें। शिमला मिर्च को भी हमने कर लिया क्यूब्स में, क्योंकि इसके अलावा जो चीज़ें हैं, कॉर्न्स हैं वो भी छोटे साइज़ में हैं, मशरूम्स हैं उनको भी हम स्लाइस कर लेंगे। थोड़ा सा गार्लिक से खुशबू आनी शुरू होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स। तो मैं ऐसा करती हूँ, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और उसमें अपनी वेजिटेबल्स को भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसका कुकिंग टाइम ज़्यादा हो। स्वीट कॉर्न्स हैं ड्यू ड्रॉप के, तो ऑलरेडी बॉयल हुए हुए हैं। शिमला मिर्च का भी इतना ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होता, तो ये चलेगा इसमें कॉर्न्स। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये आ गए हमारे पास मशरूम्स। इसका पानी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और फिर मैं मशरूम्स को कर लूँगी स्लाइस। वेजिटेबल्स की दुनिया में एज अ मीट भी कंसिडर किया जाता है, यानी कि वो तमाम लोग जो वेजिटेरियन हैं, स्ट्रिक्टली मीट नहीं लेते हैं, तो फिर वो बहुत शौक से मशरूम्स को अपनी रेसिपीज में इस्तेमाल करते हैं। उसके स्लाइस कर लेते हैं। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स होल भी हैं और इसके अलावा स्लाइस में भी हैं, तो हमने ये होल मशरूम्स ले लिए। गार्लिक जो है वो अब सिजल होना शुरू हो रहा है, आपने इसको बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना, कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए लहसुन का, बस हल्का सा सिजल होगा, खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो हम इसमें शामिल कर देंगे जो वेजिटेबल्स हमने काट के रखी हैं, कॉर्न्स हैं और शिमला मिर्च। साथ ही मैं उसमें ऐड कर दूंगी मशरूम्स भी। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं अच्छे लगते हैं फैमिली को तो मशरूम्स को आप ओमिट भी कर सकते हैं। बाज़ घरानों में पसंद किए जाते हैं और बाज़ जगह नहीं भी पसंद किए जाते हैं। तकरीबन ये 6 से 8 मशरूम्स थे जिनकी हमने कटिंग कर ली। ऑलिव्स हैं, लेकिन ऑलिव्स मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा लास्ट में। तो चलें, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो इसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल्स, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारा केचप या टमाटो पेस्ट शामिल कर दीजिए, या फिर आप इसमें चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरी पेरी फ्लेवर, यानी थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा स्पाइसी,
तमाम फ्लेवर्स का जो मिक्सचर होता है तो वो टेस्ट होता है जनाब, पेरी पेरी मसाला या पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी पास्ता, डिफरेंट चीज़ें इस फ्लेवर के साथ तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। चलें अब इसमें हम ऐड कर देते हैं अगेन रोज़मेरी, इसमें जाएगी कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और नमक। याद रहे कि हमने अभी इसमें पेरी पेरी मसाला भी शामिल करना है, तो तमाम चीज़ें इतनी ही ऐड कर देनी कि बहुत ज़्यादा हो जाएं। और मैं एक टेबल स्पून भर के इसमें शामिल कर देती हूँ ये जो हमारा पेरी पेरी मसाला था, ये मैं इसमें ऐड करें और मैं टेस्ट करके देखूँगी, अगर हमें नीड होगी तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों के साथ वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। अच्छा ये पास्ता भी हमारा रेडी हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ, ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, ब्रेक का टाइम है, मैं पास्ता निकालती हूँ, स्ट्रेन करते हैं इसको और रजिया पास्ता वापस आएंगे, रजिया पास्ता मिक्स करेंगे और सॉस तैयार हो चुका है। उसके अलावा हमारी वेजिटेबल्स, ये जो हमने एक मसाला सा तैयार किया था इसमें, और साथ ही इसमें जाएगा बॉयल हुआ हुआ रजिया पास्ता, चीज़ हमने इसमें ही ऐड कर दिया था तो ये चला गया इसमें। रजिया पास्ता को आपने बॉईल कर लेने के बाद ठंडे पानी से गुजार लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि जनाब इस पर ऑयल वगैरह लगा के रख लीजिए ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो, बस और आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा अब जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो हम इसको एक दफ़ा और रीहीट कर लेंगे और मैं इसमें ऐड कर दूँगी ऑलिव्स, कुछ हम अभी भी शामिल कर देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग में ऐड कर देंगे। तो ये ब्लैक और ग्रीन ऑलिव ड्यू ड्रॉप के हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो चलें जी ये हमने ऐड कर दिए इसमें ऑलिव्स और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ब्लैक ऑलिव स्लाइस करके, दैट्स इट। आँच हमने इसकी कर देनी है बंद और अब आ जाते हैं अपने जो कढ़ाई कबाब हम बनाने जा रहे हैं उसकी तरफ। लेमन हमने ऐड नहीं किया था तो वो लेमन भी हमने इसमें स्क्वीज़ कर दिया।